नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीटम सोल इंजेक्शन के बारे में, यानी कि बीटा मेथासोन इंजेक्शन के बारे में। इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेशेंट को, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, बीटम सोल इंजेक्शन आता है GPP कंपनी का, जो कि लेबोरेट की एक डिवीज़न है, और इसका जो MRP होता है एक एम्प्यूल का 4.69 रुपये है, और 5 की पैकिंग में आता है ये। 1 ml का एक एम्प्यूल होता है और बीटा मेथासोन होता है इसमें 4 mg। ठीक है, इस इंजेक्शन को IM और IV दोनों प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये बैक साइड पे कमर में भी लगाया जा सकता है और नस में भी लगाया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजर्स की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग एलर्जी को ठीक करने के लिए, चर्म रोग, दमा, अस्थमा, दर्द, सूजन, गठिया बाय, जोड़ों में दर्द, कैंसर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्जिमा, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना, खुजली होना पूरे शरीर में, और डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम, और छाल रोग, सर्दी, खांसी, जुखाम, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, छाती में रेशा जम जाना या सांस लेने में दिक्कत होना, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है पेशेंट को। क्योंकि ये दोस्तों एक स्टीराइड है, तो स्टीराइड बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने में या फिर हर दवाइयों में काफ़ी दवाइयों के साथ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्योंकि स्टीराइड का काम होता है तुरंत आराम देना। इसका दोस्तों पेशेंट को सुबह शाम भी लगाया जा सकता है या फिर दिन में एक बार, तो पेशेंट को चेक करके कितनी क्या प्रॉब्लम है उसको उसी प्रकार से इसकी डोज को दिया जाता है पेशेंट को। इसको 3 दिन से लेके 7 दिन तक भी दिया जा सकता है या फिर 2 दिन में ही पेशेंट को देकर बंद कर दिए जाते हैं। तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो इसको देने से कई बार पेशेंट को क्या होता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मोटापा आ जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब लगातार इस्तेमाल करने से, एक दो दिन से तो कुछ नहीं होता है, और उल्टी, घबराहट, मतली, चक्कर, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे पेशेंट को इस इंजेक्शन को लगाने से, तो इसे तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। और इस इंजेक्शन का उपयोग घर पे कभी ना करें, इसका उपयोग सिर्फ हॉस्पिटल्स में और रजिस्टर्ड मेडिकल्स में ही और रजिस्टर्ड क्लिनिक्स वगैरह में ही इसका उपयोग किया जाता है। अपनी मर्जी से इसका उपयोग ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।